दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, खिचड़ी एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है। इसे दाल और चावल को एक साथ उबालकर तैयार किया जाता है। इसमें सब्जियां, घी या मसाले भी स्वाद और जरूरत के अनुसार मिलाए जा सकते हैं। खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ बहुत ही हल्की और आसानी से पचने वाली डिश है। साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है और उत्तर भारत में मकर संक्रांति के पर्व पर मूंग दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। यूं तो खिचड़ी में मसालों का इस्तेमाल ना के बराबर ही किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। खिचड़ी में दही मिलाकर खाने से इसका स्वाद दो गुना हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं खिचड़ी खाने के बेहतरीन फायदों के बारे में। दोस्तों आपके घर में किसी ने, आपकी दादी ने या आपकी माँ ने आपको खिचड़ी के फायदे अवश्य बताए होंगे। खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस के गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। आप चाहे तो इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर इसके पोषक गुणों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। खिचड़ी में तेज मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही इसमें बहुत अधिक तेल या घी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह आसानी से पच जाती है और यही कारण है कि बीमारी में लोग खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो खिचड़ी आपके लिए सबसे फायदेमंद है। खिचड़ी के नियमित सेवन से वात, पित्त और कफ के दोष दूर हो जाते हैं। खिचड़ी शरीर को ऊर्जा देने के काम तो करती ही है, साथ ही साथ से प्रतिरक्षा तंत्र को और ज्यादा बूस्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।